हेलो एवरीवन, एसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही खूबसूरत बाजू बनाना सिखाएंगे। आप पूरे वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी तरीके से सीख जाएंगे। ये देख लीजिए, मस्तर ले लिए हैं, अस्तर को चार फोल्ड में रख लिए हैं। बाजू का लंबाई है 4.5 इंच और नीचे की तरफ को देख लीजिए, यहाँ से मैं 2.5 इंच। बाजू का चौड़ाई है फ्रेंड्स 9 इंच और नीचे की तरफ का है 8 इंच। हम कपड़ा ले लिए, कपड़े को चार फोल्ड में रख लिए हैं। अब कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से अस्तर को सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम देख लीजिए, कपड़ा ले लिए, इसे अच्छी तरीके से सेट करके और इसके ऊपर अस्तर को अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, अब इसे पलटी करके अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, सिलाई लग चुका है। अब इसे इस तरह से सेट करके यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सिलाई लग चुका है। इस तरफ से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, बीच में से हल्का से कट लगा लेना है। इसी तरह से दोनों बाजू को तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, तैयार हो चुका है। हम एक बाजू को ले लिए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब स्केल से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, हम एक तरफ का डिजाइन बनाएंगे बाजू पर। देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से यहाँ से हमें निशान लगा लेना है फ्रेंड्स। निशान लग चुका है फ्रेंड्स। इसी तरह से दोनों बाजू को इसके हाथ से इस तरह से कर लेंगे फ्रेंड्स, तो दोनों बाजू एकदम सेम बराबर निकलेगा। देख लीजिए, इस तरह से दोनों बाजू पे हम निशान लगा लिए हैं। अब हम डिजाइन के लिए कपड़ा ले लिए हैं फ्रेंड्स। लंबाई और चौड़ाई 1.5 इंची है फ्रेंड्स। देख लीजिए, इसे इस तरह से फोल्ड करके एक और फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, इसी तरह से एक और फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसी तरह से हम पूरे डिजाइन के लिए बना लिए हैं। अब हम बाजू का कपड़ा ले लिए फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर से डिजाइन बैठा लेना है फ्रेंड्स। अभी हम लेस बैठाएंगे। इसी तरह से हम जहां तक निशान लगाए फ्रेंड्स, वहां तक हमें डिजाइन को बैठा लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से देख लीजिए, डिजाइन बैठ चुका है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हमें लेस बैठा लेना है, इसे अच्छी तरीके से सेट करके। देख लीजिए, सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स। लेस की दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है, एक्स्ट्रा धागे को कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देख लीजिए, आधे पर फ्रेंड्स इसके अंदर हम डाल के लेस बैठा लेंगे उस तरफ से। सेम इसी तरह से लेस को बैठा लेना है फ्रेंड्स, जिस तरह से हम एक तरफ बैठा लिए हैं। इस पर डिजाइन नहीं बैठाना है, बस लेस को बैठा लेना है। ये देख लीजिए, एक तरफ से लेस बैठ चुका है। अब यहां से हमें एक और सेम इसी तरह से 1/2 इंच छोड़ के फ्रेंड्स यहाँ पर लेस बैठा लेना है। देख लीजिए इस तरह से, लेस के दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, देख लीजिए, धागे को कटिंग कर देना है।
एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। फ्रेंड्स देख लीजिए, हम यहाँ कपड़े को दो फोल्ड में रख लिए हैं। यहाँ पर हम पाइपिंग बैठा लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से देख लीजिए। इसके ऊपर अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स, अब इसे हम पतली पाइपिंग तैयार कर लेंगे। देख लीजिए, इस तरह से फोल्ड कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा लेना है। देख लीजिए, पाइपिंग बैठ चुका है फ्रेंड्स। अब इस पे हम मोती लगाएंगे। देख लीजिए, मोती ले लिए हैं और धागा और सुई ले लिए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से देख लीजिए, हम नोके पे मोती को बैठा लेंगे। पहले हम सुई डालकर, फिर मोती डालकर, फिर नीचे से सुई हम घुमा लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से हम पूरे डिजाइन पर मोती को लगा लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, हम आपको जरूर उसका हम जवाब देंगे। इस तरह से देख लीजिए, मोती लग चुका है फ्रेंड्स। अंदर से इसे धागे को बांध देना है इस तरह से। धागे को कटिंग कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह से देख लीजिए। अब इस पे हम यहाँ से तीन हम स्टोन बैठा लेंगे। बाद में हम सुई से लगा लेंगे फ्रेंड्स। अभी हम आपको तीन से दिखा देते हैं। इस तरह से सेम इसी तरह से सुई से लगा लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इस तरह से देख लीजिए, हम तीसरा भी मोती लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दोनों बाजू को हम तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।